चैनल स्किप इन फिटनेस और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारे डाइट से रिलेटेड। मैं जब भी मेरे वर्कआउट सेशन में होता हूँ या फिर बाहर कहीं होता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम दो दो घंटे तक के एक्सरसाइजेस करते हैं, हेवी वेट्स लगाते हैं, सुपर सेट्स लगा ले, कंपाउंड एक्सरसाइजेस कर ले, जो प्रो बॉडी बिल्डर है उनके वर्कआउट शेड्यूल जो है वो भी हमने ट्राई कर लिए, लेकिन हमारे मसल्स ग्रोथ नहीं हो रहे जो हिसाब से हमें रिजल्ट चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा। तो आप लोगों को कैसे मिलेगा गाइज? आप सोने के डंबल्स लगा लो या फिर सोने के जिम में जाके लगा लो, लेकिन जब तक कि आप लोगों का डाइट प्लान प्रॉपर नहीं होगा, आप लोगों के मसल्स ग्रोथ नहीं होंगे। जो रिजल्ट आप लोगों को मिलना चाहिए वो पूरा आपके न्यूट्रिएंट के ऊपर है। आपका डाइट अगर प्रॉपर रहा और वर्कआउट सेशन हमारा सिर्फ 30% तक के वर्क करता है, 70% तक के डाइट जो होता है वो वर्क करता है। तो अगर आपका डाइट प्रॉपर होगा तो आपके मसल्स ग्रोथ जो होते कम टाइम में मसल्स ग्रोथ भी अच्छे होंगे, जो डेफिनेशन आती है वो भी अच्छी होंगी और आप लोग आपके रिजल्ट से सेटिस्फाइड होंगे। तो आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि आप लोग सबसे पहले हम अपना डाइट चेंज करें। अगर आपके डाइट प्रॉपर रहा, आपका न्यूट्रिएंट प्रॉपर रहा, तो आपके मसल्स ग्रोथ होने ही होने हैं, ठीक है। तो आज जो मैं मील की बात करने वाला हूँ वो है प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील, यानी वर्कआउट के पहले क्या खाना चाहिए और वर्कआउट के बाद में क्या खाना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो मसल्स है वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है उसका प्रोटीन, मतलब हमारे मसल्स ही प्रोटीन के बने। तो जिम के पहले मतलब जो प्री वर्कआउट मील जो होता है मील, ये आपको लेना है एक घंटे पहले, ठीक है। आपके जिम वर्कआउट सेशन के एक घंटे पहले आपका मील रहेगा प्री वर्कआउट मील। उसमें हम लेंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब और प्रोटीन। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है? अब गाइस कार्ब के भी दो टाइप आते हैं, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब और एक होता है सिंपल कार्ब। अगर आपकी बॉडी अगर आप कुछ कार्ब इंटेक करते हो उसके बाद में जो ब्रेक डाउन करने में मतलब उसे बर्न करने में बॉडी टाइम लेती है उसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स कार्ब। मतलब अगर आपने सपोज एग्जांपल आपने सपोज रोटी खा ली तो उसे बर्न करने में उसे ब्रेक डाउन करने में बॉडी को कम से कम 1 से 2 घंटे लगते हैं, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब। और अगर आप कार्ब खाने के बाद में अगर वो आधे घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं सिंपल कार्ब। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब, और जो विद इन हाफ एन आवर में जो डाइजेस्ट हो जाता है उसे कहते हैं सिंपल कार्ब, ठीक है। सिंपल कार्ब में क्या आते हैं? तो जैसे फ्रूट्स हो गए, बनानास हो गए, ये जो आते हैं जो फ्रूट्स कैटेगरी होती है ये आते हैं सिंपल कार्ब में, ठीक है। तो प्री वर्कआउट में जो प्री वर्कआउट मील है उसमें हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्ब और प्रोटीन। अब हम क्या क्या खा सकते हैं? अब वर्कआउट से एक घंटे पहले हम खाना तो नहीं खा सकते, यानी कि रोटी तो नहीं खा सकते, तो उसके पहले हमें क्या खाना चाहिए? तो उसके पहले हमें खाना चाहिए ब्राउन राइस जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब है, उसके बाद में हम ले सकते हैं ओट्स या फिर ब्राउन ब्रेड, ठीक है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब के सोर्स हो गए। उसके बाद में आता है प्रोटीन। प्रोटीन में हमें क्या लेना चाहिए? फिर एग व्हाइट्स ले सकते हैं या फिर हम चिकन भी ले सकते हैं, ये हमारा प्री वर्कआउट मील हो गया, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट वर्कआउट मील में हमें क्या चाहिए? अब जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब जब हम खाते हैं तो हमारा जो 2 घंटे का जो वर्कआउट होता है उसमें हमें पूरा जो होती है एनर्जी प्रोवाइड करती है। वर्कआउट के एक घंटे पहले हमने प्री वर्कआउट मील जो हमने किया है तो वर्कआउट सेशन में हमें एनर्जी की जरूरत होती है, इसकी वजह से हम प्री वर्कआउट में कॉम्प्लेक्स कार्ब खा रहे हैं। मतलब हमें जो 1-2 घंटे जो वर्कआउट के लिए स्टेमिना होगा वो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब प्रोवाइड करेगा। उसके बाद में हमारे मसल्स ब्रेकडाउन जो होते हैं वो उसका रेशियो कम करने के लिए मतलब ब्रेकडाउन की रेशियो कम करने के लिए हम प्रोटीन भी खा रहे हैं साथ में, ये हमारा प्री वर्कआउट मील हो गया। अब उसके बाद में कुछ लोग जो होते हैं जो सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग आधे घंटे पहले अपना प्री वर्कआउट या फिर क्रिएटिन इसके जैसे जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो ले सकते हैं, और जो लोग सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी ये ले सकते हैं वर्कआउट से आधे घंटे पहले, ठीक है। उसके बाद में वर्कआउट जाए, वर्कआउट होने के बाद में अब जब हम 2 घंटे जो वर्कआउट करते हैं तो हमने हमारी एनर्जी जो है वो पूरी डिप्लेट कर दी। एनर्जी डिप्लेट करने के बाद में हमें इंस्टेंट रिकवरी चाहिए प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंपल कार्ब, जो कि हमारी जो एनर्जी है जो ग्लूकोज है जो हमने डिप्लीट कर दिया है 2-1.5 घंटे जो जिम में वर्कआउट करने के बाद में, तो उसे फुलफिल करेंगे हमारा सिंपल कार्ब। तो यहाँ पे आप एनी फ्रूट ले सकते हैं, मतलब बनाना हो गया या फिर कुछ
चीकू हो गया, ठीक है, उसके बाद में एप्पल हो गया, तो ये आप फ्रूट्स जो है एनी फ्रूट्स आप वहां पे ले सकते हैं। और उसके बाद में आप ले सकते हैं प्रोटीन शेक, जो लोग वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लोग प्री पोस्ट वर्कआउट मील में उसे ले सकते हैं, ठीक है। और जो लोग प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो फिर एग वाइट्स ले सकते हैं, लेकिन हमें इंस्टेंट रिकवरी चाहिए तो उसकी वजह से हम प्रोटीन और सिंपल कार्ब प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट में लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मील, मतलब यहाँ पे प्री वर्कआउट आ गया, ठीक है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कार्ब और प्रोटीन खाएंगे। उसके बाद में हमारा आ गया प्री वर्कआउट ड्रिंक, जहाँ पे जो लोग सप्लीमेंट अफोर्ड करते हैं वो ले सकते हैं प्री वर्कआउट या फिर क्रिएटिन, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो ले सकते हैं ब्लैक कॉफी या फिर ग्रीन टी। उसके बाद में हमारा वर्कआउट सेशन 2 आवर का, उसके बाद में हमें जो इंस्टेंट रिकवरी चाहिए तो वो फुलफिल होंगी हमारी सिंपल कार्ब और प्रोटीन से। अब प्रोटीन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वे प्रोटीन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ले, या फिर हम एग वाइट्स भी वहां पे ले सकते हैं, लेकिन एग वाइट्स जो है वो बर्न करने में कम से कम 30 to 45 मिनट्स लगते हैं, तो हम इसे इंस्टेंट रिकवरी नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहां पे ले सकते हैं तो वो उसका रोल प्ले करेगा। और पोस्ट वर्कआउट मील होने के बाद में 1 घंटे बाद में हमारा रहेगा डिनर, ठीक है। तो फिर डिनर में हमें सब कुछ चाहिए, प्रोटीन कार्ब फैट्स मल्टीविटामिन्स मल्टी मिनरल्स हमें सब कुछ चाहिए, फाइबर, ठीक है। तो वहां पे फिर हम ले सकते हैं रोटी विद चिकन सैलेड, या फिर रोटी पनीर सैलेड, या फिर ब्राउन राइस पनीर सैलेड, ठीक है। तो वहां पे फिर हमारा प्रोटीन कार्ब और फैट्स फिर मल्टीविटामिन्स फाइबर वहां पे हमारा होल मील चलेगा डिनर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में हम फैट क्यों नहीं खाते, तो फैट अगर फैट खाओगे वर्कआउट सेशन में तो वो बर्न करने में बॉडी उसे टाइम लेती है, ठीक है, फैट को बर्न करने में बॉडी टाइम लेती है। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें 1 घंटे पहले हम फैट कंज्यूम करेंगे तो नहीं, तो वर्कआउट सेशन तक के आप लोगों का डाइजेस्ट नहीं होगा। और ये सबसे वर्स्ट थिंग आप अगर करोगे, अगर आप हेवी फुल लोडेड पेट लेके जिम में जाओगे, मतलब आपका पेट पूरा भरा हुआ है और आप वहां पे जाओगे और वर्कआउट करेंगे, तो ये सबसे गंदी बात आप कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप वर्कआउट करें तो मेक श्योर कि यू डाइजेस्ट योर होल फूड, तो खाली पेट होना चाहिए आप जब वर्कआउट करोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप लोग ध्यान रखें ये चीजों का। और मैंने जो आप लोगों को बताया प्री वर्कआउट मील पोस्ट वर्कआउट मील, ये जरूर वर्क करता है आपके होल डे का डाइट तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो है इसे रिकवरी विंडो कहते हैं, मसल ग्रोथ विंडो, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अगर प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील आपका अच्छा रहा तो मसल्स ग्रोथ जो होते हैं काफी हद तक के बढ़ जाती है। तो मेक श्योर कि आप लोगों का जो भी वर्कआउट सेशन है वो खत्म होने के बाद में और उसके खत्म वो शुरू करने से पहले जो हमारे मील है वो सही तरीके से हो, ठीक है। तो ये मेरा आप लोगों के लिए आज की मेरी इंफॉर्मेशन थी। आई होप सो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, और आप लोगों का अगर मेरा वीडियो पसंद आते हैं, आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन इसी तरह से मैं देता रहूंगा, और मेक श्योर कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी, थैंक यू, बाय बाय।